प्रदेश के कौशाम्बी जिले के करारी थाना इलाके के गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत गांव में ही हो गई, जबकि एक शख्स की मौत जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई। वहीं गांव के कई लोग जहरीली शराब पीने से बीमार हैं। मृतकों के परिजन शराब पीने से ही मौत की बात कह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस मामले पर गोलमोल जवाब दे रहा है। कैसे ये सब बीमार हो गए? दारू। किसने पिए दारू? ये सब दारू पिए थे? सब दारू। कई तो लोग मरे हैं? 3। और कई तो बीमार हैं? 8-9। वहीं अब इस पूरे मामले पर प्रशासन के अधिकारियों का क्या कहना है, सुनिए। 4 लोग बीमार नहीं है, 3 लोगों की मौत हो गई। हाँ, तो उसके लिए हम लोग टीम की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ जा रही है, और जो भी गाँव में इस प्रकार से पीड़ित हैं सबकी देखभाल और उनका इलाज किया जाएगा। अब होली का मौसम था तो शराब वराब पी भी सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। एक व्यक्ति की मृत्यु जिला चिकित्सालय में हुई थी। इस सूचना पे इसको बताया गया कि कुछ संदिग्ध प्रकार की घटना है। इस सूचना पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ है कि ये डेथ कैसे हुई। इसके हम लोग जो है वीडियोग्राफी और डॉक्टरों की टीम के द्वारा इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और मृत्यु का कारण इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति और भर्ती है इस ग्राम का और अभी वो बोलने की स्थिति पे नहीं है। इसके साथ ही हम जो है ग्राम में मेडिकल टीम भेज के सर्वे करा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई विशेष बात प्रकाश पे नहीं आई है, फिर भी पूरी सक्रियता बरती जा रही है। घर में एक जो मृतक बताया जा रहा है जहरीली शराब से मरने का, वो पूर्णतया गलत है। अभी हमारे उनसे परिवार वालों से बात हुई है। वो सुखलाल नाम था ना उनका, धीरज यादव, वो शराब पीते ही नहीं थे और उनके भाई ने बताया कि बम्बई में काम करते थे और उनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी, तो 1.5 साल से उन्होंने गाँव में ही रखा था उनको। और कल अचानक से उनका ब्लड प्रेशर 220 क्रॉस कर गया और अचानक तबीयत बिगड़ी और वो ले जाते समय रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो शराब पीने का तो कोई मामला ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा एक मामला आया हुआ है वीर भवन, वो जो जिला अस्पताल में ब्रॉडगेट केस था, उनमें ये आशंका जाहिर की जा रही है कि उन्होंने कुछ खाया पिया था और कुछ पिया था। डॉक्टर से मेरी बात हुई, जो एक्सपर्ट हैं उनका पोस्टमार्टम वगैरह करने जा रहे हैं, वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है। एक अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले पर बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन परिजन साफ साफ जहरीली शराब पीने से मौत की बात कह रहे हैं। पूरा मामला जिले के अवाना गांव के कोटदार इंद्रवीर यादव के घर का है, जहां होली के दौरान पार्टी चल रही थी। वहां मौजूद कई लोगों ने देसी शराब का सेवन किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। कौशाम्बी से शिवनंदन साहू की रिपोर्ट।